बोल बंके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो सभी भक्तों को रास बिहारी शरण की ओर से राधे राधे। तो जैसे आपको पता है कि पूरे विश्व में, भारत में ये जो महामारी जिसे कोरोना वायरस कहते हैं, पूरे संसार को इसने जकड़ा हुआ है और पूरा संसार संकट में है। तो संकट में है इसलिए उसका एक ही उपाय है, हरि नाम संकीर्तन। भगवान ने भी श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि कलयुग में अगर किसी का उद्धार होता है तो हरि नाम संकीर्तन होगा, प्रभु के नाम का गुणगान होगा, वही पार उतर सकता है, भव से पार लग सकता है। तो अब कलयुग चल रहा है, तो ये जो महामारी कोरोना नाम की जो ये बीमारी है पूरे विश्व में फैल गई है और बहुत संकट है इस भूमि पर, भारत की भूमि पर, पूरे विश्व पर। तो इसका जो बचने का उपाय है बस प्रभु के नाम का गुणगान करना है, बस यही एक सुंदर उपाय है। और हमारे श्री राधा रानी का नाम लेने के लिए, किशोर जी का नाम लेने के लिए, मेरे बांके बिहारी का नाम लेने के लिए, हमारे बहुत ही अजीज और ठाकुर जी के प्यारे किशोर जी के कृपा पात्र भक्तिरस होशियारपुर जो हमारे बड़े ही किशोर जी के लाडले भैया संजीव शर्मा जी ने बड़ा सुंदर एक प्रयास किया है कि किशोरी जी के चरणों में आप सबको इस फेसबुक द्वारा बड़ा ही सुंदर एक प्यारा सा प्रयास किया है, जो अच्छे अच्छे रसिकों को किशोरी जी के चरणों में उनका भाव सुनाने के लिए सबको आपके समक्ष आपकी सेवा में रखा। तो बहुत इनका धन्यवाद, बहुत मेहनत करते हैं हमारे संजीव भैया और भक्ति रस टीम। तो सदा ठाकुर जी इन पर अति कृपा रखें, अपने अच्छे अच्छे रसिक इस फेसबुक पेज भक्ति रस में अपनी हाजिर लगा चुके हैं। तो राधा रानी सदा हमारे संजीव भैया पर कृपा करें और ऐसे ही सेवा करते रहें, सबको प्रभु चरणों में जोड़े। तो आओ आज बड़ा ही पावन दिन है कि आज नरसिंह भगवान का, जो नरसिंह भगवान है उनकी जयंती है आज, भगवान नरसिंह की। बोल नरसिंह भगवान की जय। तो ये जो भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया है, ये भक्त की खातिर, प्रहलाद की खातिर भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया, क्योंकि हिरण्यकश्यप जो था उसने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मैं कभी दिन में ना मरूं, ना कभी रात में मरूं, ना किसी पशु से मरूं, ना किसी मानव से मरूं, ना धरती में मरूं, ना किसी आकाश में मरूं, और ना 12 महीने में मरूं। तो आपको पता होगा कि 4 वर्षों के बाद एक पुरुषोत्तम मास आता है जो भी सितंबर में निकल के गया है, तो बड़ा ही पावन दिन है। तो उसमें सभी लोग भक्त व्रत रखते हैं, कथाएं कराते हैं, संकीर्तन करते हैं,
तो जो हिरण्यकश्यप था उसने ब्रह्मा जी से सारे वरदान मांग लिए। तो हिरण्यकश्यप समझने लगा कि अब तो मुझे कोई मार नहीं सकता। तो ब्रह्मदेव जी ने मन में सोचा, ये राक्षस जो कुल है बहुत अपने आप को बुद्धिमान समझता है, पर इनको पता नहीं जिन्होंने दुनिया बनाई है वो सब कुछ कर सकते हैं। तो जब हिरण्यकश्यप भक्त प्रह्लाद को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा तो उसने खंभे पर एक जोर सा प्रहार किया। जैसे ही प्रहार किया तो उसमें से नरसिंह भगवान जो हमारे ठाकुर जी के ढाई अवतार 24 अवतारों में से एक अवतार जो है नरसिंह भगवान है, तो वो खंभे से फाड़ कर वो सिंह का रूप लेकर हिरण्यकश्यप को मारने के लिए दौड़े और तो उनको अपनी जंगा में बिठाकर ये याद कराया कि हिरण्यकश्यप तुमने कौन से वरदान मांगे थे कि जिनके कारण तुमने पूरे जगत में हाहाकार मचाई। तो उसने कहा, मैंने ब्रह्मा से कहा मैं तुम्हें याद कराता हूँ नरसिंह भगवान कहते तुमने कौन कौन से वर मांगे थे। तो भगवान ने कहा कि तूने सबसे पहले कौन सा वरदान मांगा था, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में। तो कहते अब क्या है, कहते संध्या कालीन शाम का समय, ना दिन है ना रात है, और तुमने कौन से दूसरा वरदान कौन सा मांगा था। तो कन्हैया विष्णु भगवान कहते हैं मैंने, नरसिंह भगवान कहते हैं कि तुमने दूसरा वरदान ये मांगा था, ना अस्त्र से मऊ ना शस्त्र से, देखो ना ये अस्त्र है ना ये शस्त्र है, तो क्या है ये नाखून है। और तीसरा क्या मांगा था, ना धरती पर मरूं ना आकाश पे मरूं। तो कहते अब ना धरती है ना आकाश है, तो क्या है ये जंघा में बैठा हूं। और तुमने क्या वरदान मांगा था, तो नरसिंह भगवान कहते मैं तुम्हें वरदान याद दिलाता हूँ, तुमने एक वरदान और भी मांगा था, ना स्त्री से मरूं ना ही पशु से मरूं। तो मैं कौन हूं, ना स्त्री हूं ना पुरुष ना ही पशु, आधा रूप मनुष्य का और आधा रूप नरसिंह भगवान का। तो और कौन सा मांगा था, कहते तूने और वरदान मांगा था और मुझे याद है तूने कहा था कि 12 महीने में कभी ना मरूं। तो कहते ये 12 महीना नहीं है, अब पुरुषोत्तम मास है। तो एक भक्त की खातिर, एक प्रह्लाद की खातिर अगर मेरे भगवान सभी मर्यादाओं को तोड़कर 13 महीना बना सकते हैं, तो क्या ये जो कोरोना नाम की जो वायरस चल रहा है, बीमारी चल रही है, इसे खत्म नहीं कर सकते क्या, एक चुटकी में इस कोरोना को भगा सकते हैं, हमेशा के लिए इसका अंत कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हो रहा है मेरे ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है, राधा रानी की इच्छा से हो रहा है। तो जो कोरोना वायरस जो ये बहुत बड़ा संकट आ गया है भारत पर, हाहाकार मचाई है इस वायरस ने, ये 10,000 वर्ष पहले आया था, नारद संहिता में इसका उल्लेख है 10,000 वर्ष पहले आया था। और ये भी लिखा था कि ये उत्तरी भारत से आएगा, उत्तरी भारत मतलब अर्थात चाइना से। तो व्यास जी ने नारद संहिता में पहले से ही ये वर्णन किया था, सभी विद्वान बैठे हैं हमारे पंडित सचिन शास्त्री जी भी कथाकार और भजन संध्याएं करते हैं, बड़े सुंदर गायन करते हैं। अभी एक डेढ़ घंटा पहले हमारे पंडित जी ने, सचिन जी ने बड़ा सुंदर सुंदर भजन गाए, ठाकुर जी के चरणों में हाजिर लगाई, सबको मंत्रमुग्ध किया। तो भक्तिरस ने भी मेरा धन्यवाद किया है, मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने दोबारा मुझे अपने पेज पर फेसबुक पर किशोर जी के चरणों में गाने का अवसर दिया। तो आज बड़ा ही पावन दिन है, नरसिंह भगवान का जयंती दिवस है आज। तो ये प्रहलाद जी की खातिर अगर मेरे नरसिंह भगवान जी ये अवतार ले सकते हैं, तो उनके लिए कोरोना वायरस को मारने के लिए, अंत करने के लिए कोई अवतार लेने की जरूरत नहीं है। और जो ठाकुर जी का नाम लेते हैं, भजते हैं उनको घर में बैठकर, उन्हें तो कोरोना कभी भी छू नहीं सकता, क्योंकि जहां चले गया
मेरे शाम का टोना, जहां चल गया मेरी किशोरी जी का टोना, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता करोना। तो हमेशा ही ठाकुर जी के चरणों में बैठकर नाम जपिए, उनका शुक्र मनाइए। तो आओ, ज्यादा बातें ना करते हुए, समय बहुत बलवान है और बहुत ही कीमती है, ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करते हैं। तो आओ, संकीर्तन करने से पहले महामंत्र का जो जाप है वो करते हैं, क्योंकि कलयुग में महामंत्र जो है मूल मंत्र है। इस महामंत्र से हम भव सागर से पार लग सकते हैं। तो आओ, महामंत्र बड़ा ही सुंदर महामंत्र ऋषियों संतों ने बनाया है। तो आओ, क्या कहना है, सभी ने प्यार देना है और जितने भी भक्त सब जुड़े हैं जल्दी से जल्दी साथ में जुड़े और संकीर्तन का आनंद ले। बोल बांके बिहारी लाल की जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मेरा हाल है, एक तेरा
बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम मात्र यही एक सहारा रह गया है, नहीं तो विदेशों में जाके पूछ लो किसी भी रूप में वाले हैं, चाहे जितने भी हैं फेसबुक के द्वारा या राधा रानी के लाडले कृपा पात्र संजीव शर्मा जी भक्तिरस टीम द्वारा, इनकी पूरी जो टीम है बहुत ही किशोर जी की कृपा है जो सब पर, सभी तैयार रहते हैं बस आपको ठाकुर जी के चरणों में जोड़ने का एक बड़ा सुंदर प्रयास करते हैं। हर वर्ष हर रोज इनकी यही कोशिश होती है कि भक्त ठाकुर जी के चरणों में रहकर उनका, तो बहुत भाग्यशाली है सारे और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ। हमारे भैया ने मुझे फिर दोबारा लाइव गाने का अवसर दिया। ठाकुर जी साथ राधारानी पर सदा कृपा करें, दिन रात लगे रहते हैं बस इस भक्त जो हैं सब खुश रहे, तो ये बड़ी अच्छा सहयोग है हमारे भक्तरस टीम का, पूरी टीम का, जिसमें मुकेश कालिया जी, मुकेश शर्मा जी और अनुराग कालिया जी, और उसमें सबसे बड़े जो हमारे भैया संजीव शर्मा जी जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है फिर भी मेहनत करके ऑफिस से आकर सारी रात जाग के बस सबकी वीडियो तैयार करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो आओ ठाकुर जी के नाम का उच्चारण करते हुए, राधा नाम का उच्चारण करते हुए, राधा नाम की एक ध्वनि, क्योंकि राधा नाम ही एक बड़ा सुंदर माध्यम है जो हमें किशोर जी के चरणों में ले जाएगा, क्योंकि राधा नाम अगर जपेंगे तो ठाकुर जी दौड़े दौड़े आएंगे। क्या नाम ही ऐसा है, राधे राधे बोल शाम आएंगे, तो राधे राधे बोलोगे तो शाम आएंगे, अगर राधे नहीं बोलोगे तो शाम नहीं आएंगे, क्योंकि राधा रानी की ही बात सुनते हैं वे कि मेरी किशोरी जी ऐसी है
किसी संत ने कहा है कि राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तार अंतरण सो तेरे अधीन। तीन लोगों का मालिक जो है भगवान कृष्ण, तो ऐसा ये भगवान है कि कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, इतनी चतुराई है, सब कुछ चतुराई से सब कुछ किया। पर मेरी किशोरी जी की इतनी कृपा है, ममतामयी है, दयामयी है, अपने चरणों में वास देके उनकी सेवा करते हैं, तो सबसे बड़ा ये कृपा है मेरी किशोरी जी की। तो आओ उनका नाम लेते हुए बरसाने की ओर चलते हैं। ये मन भी बरसाना है, हम जा तो सकते नहीं, पर किशोरी जी को याद करते करते शायद हम बरसाना पहुंच जाएं, और लाडली बड़ी जल्दी कृपा करेगी, मुझे इतना विश्वास है। तो सभी रसिक जितने भी हैं जुड़ रहे हैं, हमारे सिंगर लाडली जी भी जुड़ गए हैं, तो आओ थोड़ा सा राधा नाम का हम जाप करते हैं। सभी राधा राधा का जाप करेंगे, राधा रानी का। बोल राधा रानी सरकार की जय, बोल बरसाने वाली की जय, ऊंची अटारी वाली की जय। राधा 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 किशोरी राधा 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 लाडली राधा स्वामिनी राधा राधा किशोरी राधा राधा स्वामिनी राधा लाडली राधा मम स्वामिनी राधा 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 श्री राधा बरसाने वाली मेरी ममतामयी श्री राधे करुणामयी दयामयी कम है ओ राधा रानी के चरणों में तेरे ठिकाना मिला है। बड़े भाग्यशाली है तेरे वो बंदे जिन्हें आपसा दिल लगाना मिला है, जिन्हें आपसा दिल लगाना हुआ है। ये जन्नती और पाके की परवाह करे क्या, एक
किशोरी जी, मेरी लाडो, मेरी राधा रानी, हमें ना जन्नत चाहिए ना ही स्वर्ग, तो क्या चाहिए? श्री धाम बसाना और अपनी बस सहचरी बना के रखना, दासी बना के रखना, हो सके तो जिनसे भक्त सोहनी सेवा करते हैं सेवा कुंज में, उसके झाड़ू का एक हमें बना देना या बंदर बना देना कि हम बस तेरी चरण रज को छोड़कर कहीं ना जाए, इतनी कृपा करना। दया क्या ये कम है ओ राधा रानी, के चरणों में तेरे ठिकाना मिला है। बड़े भाग्यशाली है तेरे वो बंदे जिन्हें आपसा आशिकाना मिला है, जिन्हें आपसा आशिकाना मिला है। ये जन्नत और पाके की परवाह करे क्या, ये जन्नत और पाके की परवाह करे क्या, जिन्हें आपसा दिल लगाना मिला है, जिन्हें आपसा दिल लगाना मिला है। राधा 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 स्वामिनी, राधा किशोरी, राधा 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 स्वामिनी, राधा लाडली, राधा 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 लाडो जू, राधा स्वामिनी, राधा भोरी, राधा लाडली, राधा जय राधा 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 लाडली, राधा 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 किशोरी, राधा 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 का नाम श्री राधा। व्यास जी, सुखदेव महाराज जी, जब श्रीमद् भागवत कथा में किसी ने कहा कि राधा रानी का नाम तो नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा,
श्री मतलब किशोरी जी राधा रानी बरसाना में जब आप जाते हैं तो हम तो राधा रानी कहते हैं, पर जो बरसाने के जो निवासी हैं वो क्या कहते हैं? श्री जी, श्री जी। कथा में बताया जाता है, श्रीमद् भागवत में कहा है कि जब सुखदेव महाराज जी राधा बोल देते थे ना तो 6 महीने की मूर्छा आ जाती थी उन्हें, 6 महीने बेहोश हो जाते थे। इसलिए राजा परीक्षित को कथा सुना सुनाते उन्होंने राधा रानी का नाम नहीं लिया, सिर्फ श्री मद भागवत का ये शब्द जो है उन्होंने उपयोग में रखा और श्री मद भागवत कथा राजा परीक्षित को सुनाई। क्योंकि राधा नाम ऐसा प्यारा नाम है, बड़े प्यार से अगर आप रो रहे हैं, अगर श्री राधा निकल जाए तो मैं कहता हूं कि सब दुख दुख दूर हो जाते हैं। जितने मर्जी थके हो जाओ, थक जाओ, जितने मर्जी थके हो आप सफर से थक जाते हो, पर जब बरसाने में आपका बरसाने में जब आप पहुंच जाते हैं तो एक अलग सी एक ऊर्जा मिलती है, राधा रानी इतनी कृपा करती है तो भक्त जो है थकते ही नहीं। तो आओ बड़ा सुंदर एक भजन ठाकुर जी के चरणों में मैं सुनाता हूँ, तो सभी भक्त, क्योंकि मैंने अब नए भाव सुनाने हैं, क्योंकि भाव तो मेरे पास बहुत हैं पर सुनाने का अवसर नहीं मिलता है, तो मैं अपने मर्जी से जो मेरे मन में चलेगा मैं वो भाव सुनाऊंगा, क्योंकि समय भी बड़ा बलवान होता है, बहुमूल्य है। तो आओ राधा नाम के चरणों में एक बड़ा सुंदर भाव मैं उपस्थित करने जा रहा हूं। बोल राधा रानी सरकार की जय, तो राधा रानी के चरणों में बड़ा सुंदर एक भजन। राधा रानी की एक पायल बस्ती है, ये भजन बड़ा सुंदर भजन है और सभी तो किशोरी जी का जो पांव में पायल है वो बड़ी सुंदर उनके चरणों में रहती है, और बड़ा सुंदर एक भजन आपको सुनाना है राधा रानी का। बोल राधा रानी सरकार की जय, बोल बरसाने वाली की जय, ऊंची अटारी वाले की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो आप कैसी पायल मेरी किशोर जी की कैसी बस्ती है, बड़ा सुभाव। जितने भी भक्त जुड़ रहे हैं सभी राधे राधे करके अपनी हाजिरी लगाते रहेंगे। ऊंची अटारी वाली की जय, तेरी छम छम स्वामी श्यामा किशोरी लाडो, मेरी बरसाने वारी राधा रानी सरकार, तेरी छम छम पायल, तेरी तो छम छम पायल कैसे बजती है, तो आओ बड़ा सुन। पहली बार मैं फेसबुक में सुना रहा हूँ। तेरी छम छम पायल बाजरी, तेरी छम छम पायल बाजरी, ओ बरसाने वाली, ओ तेरी छम छम पायल बाजरी, ओ बरसाने वाली, ओ बरसाने वाली, ओ मेरी राधा प्यारी, ओ बरसाने वाली, ओ मेरी राधा प्यारी, तेरी छम छम, तेरी छम छम, तेरी छम छम पायल बाजरी, ओ बरसाने वाली, ओ तेरी छम छम पायल बाजरी, ओ बरसाने वाली।
पारी जब पायल महलन में बाजी जब मैल दलन में बाजी जब पायल महलन में बाजी जब पायल महलन में बाजी जब पायल महलन में बाजी फिर तेरी जय जयकार बुलावे रे ओ बरसाने वाली तेरी जय जयकार बुलावे ओ बरसाने वाली तेरी छम छम पायल बाजरी ओ बरसाने वाली एक पायल ये पायल अंगना में बाजी ए पायल अंगना में बाजी ए पायल अंगना में बाजी ए पागल अंगना में बाजी ओ तेरी मैया लाड लड़ा बेरी ओ परसाने वारी ओ तेरी मैया लाड लड़ा बेरी ओ परसाने वारी तेरी छम छम पायल बाजरी ओ परसाने वारी तेरी छम छम पायल बाजरी ओ परसाने वारी ए पायल जब पायल सेवा कुंज बाजी 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 मेरो काना ओ मेरो काना मेरो काना चरण दबावे री ओ बरसाने वारी ओ मेरो काना चरण दबावे री ओ बरसाने वारी ओ तेरी छम छम पायल बाजरी ओ बरसाने ओ परसाने वारी ओ परसाने वारी तेरी छम छम पायल बाजरी ओ परसाने वाली ओ तेरी छम छम तर बाजरी ओ सुनाने वारी जब पायल निधि वन में बाजी जब पायल निधि वन में बाजी ओ मेरो बाबा श्री हरिदास जी महाराज ओ मेरो बाबा लाडी लड़ा देरी ओ परसाने वारी ओ मेरो बाबा लाडी लड़ा देरी ओ परसाने वारी ओ तेरी छम छम पायल बाजरी ओ परसाने वारी ओ परसाने वारी ओ कहे वरवन वारी ओ बरसाने वारी ओ मेरी लाडो प्यारी ओ तेरी छम छम पायल बाजरी ओ बरसाने वारी तेरी छम छम पायल बाजरी ओ बरसाने वारी और पायल जब बजती है किशोर जी की तो एक ही आवाज निकलती है जय दर 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 स्वामी राधा किशोरी राधा स्वामी राधा किशोरी राधा दर 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 राधारानी सरकार की जय। तो भक्त मेरे साथ और जुड़ रहे हैं, अलकापुर जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी है, राधे राधे। और आओ किशोर जी के चरणों में एक बड़ा सुंदर भाव जो अभी मैंने फेसबुक में नहीं गाया है, इस जो जितने भी फेसबुक में मैंने गाया वो भाव मैंने नहीं सुनाया। तो आओ बड़ा सुंदर भाव किशोर जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में। तो जो भक्त रो रहे हैं किशोर जी की याद में, मेरे ठाकुर जी की याद में, तो वो उनसे कुछ कह तो सकते नहीं, पर मन में मन ठाकुर जी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव
सुनिएगा, दिल को ये चीरने वाला भाव है। एक एक किशोरी जी के भक्तों की तड़प, गोपी की तड़प, बस एक ही कहती है, तो क्या कहना है। बोले राधा रानी सरकार की जय, बोल बरसाने वाली की जय, हमको रुला दिया है तेरी याद में कन्हैया। किशोरी श्यामा मेरे बांके बिहारी, तो आओ आपने भी अपना भाव सुनाना है, मैंने भी अपना भाव सुनाना है। तो गोपियां ब्रज की ठाकुर जी से क्या कहती है, पंजाबी में क्या कहती है, तू वादा करके आवणदा, तू वादा कर गए आवणदा, ना आप आया ना पैगाम आया, नी तू वादा करके ना आ पाया ना पैगाम आया, ऐसा रोग लगिया वलड़ा जिंदगी नी, ऐसा रोग लगिया वलड़ा जिंदगी नू, मैनू मौत आई ना आराम आया। तो पूरा संसार इस महामारी से लड़ रहा है और किशोर जी की बहुत याद आ रही है सबको, मेरे बांके बिहारी की बहुत याद आ रही है। बस क्या करें, कुछ कर तो सकते नहीं, उनको याद करके यही कहना है, हमको रुला दिया है, हमको रुला दिया है तेरी याद में कन्हैया, हमको रुला दिया है तेरी याद में कन्हैया, हमको रुला दिया है तेरी याद में कन्हैया, पागल बना दिया है, पागल बना दिया है तेरी याद में कन्हैया, हमको रुला दिया है तेरी याद में कन्हैया, हमको रुला दिया है तेरी याद में कन्हैया, पागल बना दिया है, पागल बना दिया है तेरी याद में कन्हैया, को रुला दिया है याद में कन्हैया, हमको रुला दिया है तेरी याद में कन्हैया। तो गोपियां क्या कह रही हैं, और हमारे साथ जो जुड़ गए हैं राधा रानी के भक्त मुकेश शर्मा जी और गोपाल गुरी चंचा जी भी, जिन पर द्वारिका नाथ की बड़ी कृपा है, वो भी सुन गए हैं। तो गोपियां क्या कहती हैं, ओ नंदलाल कितने निष्ठुर, नंदलाल कितने निष्ठुर, निर्मोही हो गए हो, नंदलाल कितने निष्ठुर निर्मोही हो गए हो। निर्मोही मतलब, और निष्ठुर मतलब क्या होता है, निर्मोही मतलब होता है जो देखे को अनदेखा करने वाला, और निष्ठुर कहते हैं, निर्मोही कहते हैं, किसको कहते हैं निर्मोही, जो परवाह ना करे, किसी की परवाह ना करे उसे कहते हैं निष्ठुर निर्मोही। तो नंदलाल कितने निष्ठुर और निर्मोही हो गए हो, वादा भुला दिया है, वादा
ज्यादा भुला दिया है तेरी याद ने कन्हैया, वादा भुला दिया है तेरी याद ने कन्हैया, पागल बना दिया है, पागल बना दिया है तेरी याद ने कन्हैया, हमको रुला दिया है तेरी याद में कन्हैया, हमको रुला दिया है तेरी याद में कन्हैया। ओ बरसों से नैन तरसे, बरसों से नैन तरसे, तुम्हें देखने को तरसे, बरसों से नैन बरसे, ओ तुम्हें देखने को तरसे, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, बरसों से नैन बरसे, तुम्हें देखने को तरसे, तुम्हें देखने को तरसे, तुम्हें देखने को तरसे, फिर बरसों से नैन बरसे, तुम्हें देखने को तरसे। ए मेरे श्याम जी, बस तेरी याद में ये नैन बरसते हैं, कितना तरसाना है तुम्हें, बस कृपा करो ठाकुर जी, दया करो उन भक्तों पर। बरसों से नैन बरसे, तुम्हें देखने को तरसे, मुझे बिरहन बना दिया है, बिरहन बना दिया है तेरी याद में कन्हैया, बिरहन बना दिया है तेरी याद में कन्हैया, पागल बना दिया है, पागल बना दिया है तेरी याद ने कन्हैया, हमको रुला याद में कन्हैया, हमको रुला दिया है तेरी याद में कन्हैया, फागुन होरी को तरसे, फागुन होरी को तरसे, सावन अंगारे बरसे, फागुन होरी को तरसे, सावन अंगारे बरसे, दिल को जला दिया है, ओ दिल को जला दिया है तेरी याद में कन्हैया, ओ दिल को जला दिया है तेरी याद में कन्हैया, हमको रुला दिया है तेरी याद में कन्हैया, नंदलाल ओ कन्हैया बारी लौट आ जा, नंदलाल ओ कन्हैया एक बार लौट आ जा, नंदलाल ओ कन्हैया एक बार लौट आ जा, जी जी के मर रहे हैं, जी जी कर मर रहे हैं तेरी याद में कन्हैया, जी जी के मर रहे हैं तेरी याद में कन्हैया, हमको रुला दिया है तेरी याद में कन्हैया, हमको रुला दिया है तेरी याद में कन्हैया, ओ हरिया जाओ हरिया जाओ, हरिया जाओ हरिया जाओ, प्यारे आ जाओ प्यारे आ जाओ, तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, नहीं हुआ
अपने काबिल बनाना पड़ेगा, मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। हरि आ जाओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ हरि आ जाओ। बोले राधा रानी सरकार की जय। तो मुकेश जी शर्मा जी अभी पहले उन्होंने एक भजन कहा था कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो आओ ठाकुर जी के चरणों में एक सुंदर भाव सुनाते हुए हमारे साथ राम शर्मा शास्त्री जी भी बड़े विद्वान पंडित, बहुत ही सुंदर गुणगान करते हैं राम जी का, वो भी हमारे साथ उपस्थित है। तो समय बहुत मेरे पास कम है क्योंकि समय बहुत बलवान है, सिर्फ मैं आधा घंटा जो भी मेरे पास समय होगा मैं गाऊंगा, बाकी जो मेरी ठाकुर जी की इच्छा। तो आओ सुंदर भाव क्या कहना है। मेरा आपकी कृपा से कन्हैया मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से फिर बड़ा सुंदर भजन ये सभी गाते हैं और कृपा बहुत है हमारी किशोरी जी की राधा रानी की। सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, ओ सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है से सब काम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो राधा रानी करती हो राधा रानी, ओ मेरा नाम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, ओ सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही कृपा से मोहन ये कमाल हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से तो सब काम हो रहा है। तुमने डगर डगर पर मुझको दिया सहारा, तुमने डगर डगर पर मुझको दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, एहसान तेरा प्यारे एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, ओ मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ तुमने कदम कदम पर
तेरा मौज पे वो एहसान तेरा मुझ पे वो सरेआम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा से सब काम हो रहा है प्यार सब काम हो रहा है उन पंके बिहारी लाल की जय तो आओ कुछ ठाकुर जी के चरणों में सुंदर सुंदर भाव कहते हुए अपने जीवा को पवित्र करेंगे बड़ा सुंदर भाव किसी ने इस भाव को बड़ी सुंदर ढंग से कहा है बोल राधा रानी सरकार की जय बांके बिहारी लाल की जय और बड़ा सुंदर भजन मेरी श्यामा जी की गलियां मेरे बांके बिहारी की गली कैसी है और सभी उसके आशिक हैं जो निकुंज गली है मेरी बरसाने की गलियां हैं कितनी प्यारी गलियां हैं तो बड़ा सुंदर एक भाव किसने कहा है तो आओ उसे सुनाते हैं तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है तेरी नजरों से सांवरे जाम पीना है तेरी नजरों से सांवरे जाम पीना है तेरी गलियों कहूँ आशिक तू एक नगीना है तेरी गलियों का आशिक तू एक नगीना है तेरी नजरों से मुझे जाम पीना है तेरी नजरों से मुझे जाम तेरा गम मेरा तू लहू
ए शाम कस के पकड़ा किशोरी जी के लाडले श्री हैप्पी शर्मा विशिष्ट जी शहदासी जी ने ये बड़ा सुंदर एक भजन किशोरी जी के चरणों में लिखा और क्या कह रहे हैं बोल राधा रानी चल सरकार की लाडली श्यामा जो रख लो मुझे बरसानी ये पथ है विशाल मैं तो देती हूँ ये पथ है विशाल मैं तो मेरी धीमी धीमी चाल मैं तो जीती हूँ थक न जाऊ थक न जाने जाने में लाडली मरू रख लो मुझे बरसाने जो मुझे परेशाने में मेरा मन ही में न लागे समय में लाडली रखे परेशान आप सुनती रहे मैं सुनाती रहूं आप सुनती रहे मैं सुनाती रहूं आप रूठी रहो ये ना समझो कि ताले गिर जाएगी ये ना समझो गिर जाएगी हरिदासी तो हमारे मुकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि राधा रानी का भजन सुनाइए वो वाला लीली अद्भुत नजारा लाडली नजारा तेरे परसाने में है लाडली नजारा तेरे परसाने श्री राधे 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 अब कहाँ जाऊँ लाडली तेरे तो आओ और बड़ा सुंदर भजन एक कि भारत की धरती का कण कण पुकारे कहाँ हो कन्हैया आंख के तारे तो बड़ा सुंदर भजन भारत सार में जो ये संकट आ गया है तो बहुत तो और क्या कहना है कि धरती कण कण पुकारे भारत धरती कण कण पुकारे कहो यशोदा की आंखों के तारे भारत की कण भारत वाले भारत का कण कण
श्यामा श्यामा। बोले आधारानी सरकार की जय। तो आओ तो आओ राधा नाम लेते हैं, क्या कहना है राधा राधा।